तो दोस्तों फाइनली आ चुका है फ्री फायर में नया इवेंट, जिसमें आपको टोटल चार नया बंडल देखने को मिलेगा। तो इस पर बताऊंगा ये इवेंट कैसे कंप्लीट करना, इसमें स्पिन कैसे करना, टोटल कितना टाइम जाएगा, तो पूरा डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप लोग वीडियो इन तक जरूर देखना। सबसे पहले आप लोग देखो इधर आपको कुछ इस तरीके से इवेंट में आपको बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा। अब इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे पहले आना है गेम मेटिक, और गेम में आने के बाद आपको हमारे लक रॉयल में इस वाला इवेंट को देखने को मिलेगा। तो आप लोग लक रॉयल में चले जाना। तो मैं इधर लक रॉयल में आ गई, इधर आप लोग देख दो नीचे आपको इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग देख दो कुछ इस तरीके से है। और सबसे पहले आपको इधर पर्पल कलर का एंड व्हाइट कलर का एक बंडल इधर देखने को मिलेगा, जो कि एंट्रीमेंट एनिमेशन देखो इसका काफी ही बढ़िया है, काफी अच्छे एनिमेशन इसमें दिया गया है। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको एक येलो बंडल देखने को मिलेगा, साथ में इधर रेड वाल वाला आपको एक जो है मेल बंडल देखने को मिलेगा, एंड फीमेल बंडल भी आपको इधर एक देखने को मिलेगा। अब बहुत ही अच्छा इवेंट है, मेरे को काफी अच्छा लगा। आप लोग कैसे लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब इधर देखो आप लोग फीमेल बंडल भी देखने में काफी ही बढ़िया लग रहा है। अब इसमें आप लोग जाओगे तो इवेंट के अंदर ऑलरेडी ये बंडल कुछ दिन पहले हमारे गेम में डाला गया था, जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, आप लोग बताना तो चैनल में जाकर देख लेना, ठीक है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक भी कर दो। अब दोस्तों बात करें इसमें डायमंड कितना जाएगा एंड इवेंट को कैसे कंप्लीट करना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात करें देखो इसमें आप लोग आओगे तो सबसे पहले आप लोग देखो इधर टोकन का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि इधर 200 टोकन दिया गया, 5 टोकन दिया गया, 1 टोकन दिया गया, उसके बाद 2 टोकन दिया गया। तो ऐसे करके इधर टोकन का जो है चांस भी दिया गया, मतलब टोकन का ऑप्शन भी इधर दिया गया है। तो टोकन का ऑप्शन दिया गया तो ये काफ़ी बड़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि टोकन से आप लोग अगर इधर जो है स्पिन करके आप लोगों को ये लक नहीं लगा, यानी स्पिन में आपको नहीं मिला, तो टोकन से आप लोग आराम से इसको एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ी अच्छा चीज़ है कि टोकन से इधर एक्सचेंज करने के लिए दिया गया। अब दोस्तों बात करें पहला स्पिन आपको इधर देखो 20 डायमंड से स्टार्ट होता है, जो इधर 11 स्पिन है यानी 10+1 स्पिन है, ये जाता है 200 डायमंड का। अब दोस्तों बात करें इधर आपको समझ लो कि एक स्पिन में एक टोकन मिलता है, तो ऐसे करके आपको इधर जो है 2000 डायमंड के आसपास आपको ये बंडल निकल जाएगा, आराम से 200 टोकन आपको इधर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग इधर स्पिन करके टोकन से भी खरीद सकते हो, अगर आपके पास डायमंड नहीं है तो, मतलब डायमंड नहीं अगर आपके पास स्पिन से आपको नहीं मिला, तो मेरे को लग रहा है स्पिन से निकल जाएगा, क्योंकि इधर एक स्पिन में 200 डायमंड से 10 स्पिन हो रहा है। नॉर्मल सा स्पिन हमारा जो है डायमंड रॉयल जैसा, ठीक उसी तरीके से आपको इधर स्पिन करने का चांस दिया जा रहा है। तो इवेंट में जो स्पिन का चांस है उसके हिसाब से लग रहा है उतना ज्यादा डायमंड नहीं जाएगा, तो आप लोग आराम से इधर स्पिन करके इवेंट को कंप्लीट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करें जो बंडल है वो कौन से ज्यादा सबसे अच्छा बंडल कौन सा होगा, तो इधर आप लोग देखो अगर आपको निकालना ही है तो देखो इधर पर्पल कलर के इधर जो है आपको इधर येलो कलर का एक बंडल देखने को मिला, ये काफी अच्छा है। और अगर आपका लक अच्छा हुआ और आपको एक स्पिन में 200 डायमंड टोकन मिल गया, तो टोकन से आप लोग डायरेक्ट इधर जो है एक्सचेंज वाला स्टोर में जाके, जो कि आप लोग इधर स्क्रीन में देख सकते हो, तो एक्सचेंज वाला स्टोर में जाके आप लोग आराम से इसको एक्सचेंज कर सकते हो, कोई भी बंडल को आप लोग इधर एक्सचेंज कर सकते हो, जो कि मैं आप लोग इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, वीडियो को जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इसी वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।